नाम बताए आपका। मेरा नाम विंकी सानो माला है। हाँ, मैं टीचर हूँ, जॉब करती हूँ। कहाँ से? मैं संगीतपुर से हूँ। अभी आपको पहले इधर आने से पहले आपको तकलीफ क्या क्या थी? तकलीफ मुझे पहले स्टार्टिंग कमर से, फिर वहाँ से नस का प्रॉब्लम हुआ, फिर पैर तक दर्द था पूरा मेरा। पैर तक दर्द था? हाँ, तो फिर बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने। फिर भी कौन से गांव गए आप दिखाने के लिए? बेलगाम में बहुत दिखाई हूँ। दो तीन जगह दिखाए, बेलगाम और आयुर्वेदिक भी क्यों इधर, फिर इधर उधर मुख करके था, उधर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हूँ। तो आयुर्वेदिक उतना ही करवाता था, रिपीट आ जाता था दर्द। तकलीफ आपको कितने साल के लिए थी? डेढ़ साल मुझे थी वो। डेढ़ साल में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर? कर रही हूँ, बहुत थकी थी मैं। बहुत ऐसा होता था कि मुझे अभी काम करने का मन नहीं था, ना स्कूल में मन लगता था। वो पैर का दर्द हमेशा चालू ही रहता था, कंटिन्यू था। रात को नींद नहीं लगती थी, फिर बैठना उठना तो ये हो गया था, मुझे चलना फिरना बाहर निकलना भी नहीं होता था। यानी कि कुछ करने का मन नहीं करता था, इतना दर्द होता था। दर्द सहन नहीं होता था, जमीन पर बैठने में बैठने उठने नहीं आता था, जमीन पर भी नहीं बैठने आता था, वजन उठाई को तकलीफ होती थी। इधर ट्रीटमेंट के लिए आने के बाद में आप कितने दिन में लगा आपको, क्या फर्क पड़ा? तीन दिन में ही मुझे फर्क समझ में आया। ट्रीटमेंट से मुझे हल्का महसूस होता था, बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती थी, दर्द तो ऑटोमेटिक गायब हो गया ऐसा लगा। हाँ, अब आप मुझे लगता है एक महीना दो महीने के बाद आए हैं। हाँ, अभी आपको कैसा कुछ भी तकलीफ पहले जैसा नहीं है। हाँ? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, रिलैक्स है, टेंशन फ्री हूँ, अच्छे बैठ रही हूँ, काम कर रही हूँ। पहले जैसा रूटीन काम करते थे वैसा अभी कर रहे हैं? कर रही हूँ। आपको अभी कुछ तकलीफ नहीं लगता? अभी कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया है। मुझे एक भगवान की तरह आप मिल गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची से पूछो, मेरे हस्बैंड से बहुत तकलीफ में थी, रोती थी रात, बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। कुछ मन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर होंगे नहीं, ऑपरेशन होगा तो क्या करना। ऑपरेशन बोला था? बोला नहीं था, छोड़ो, लेकिन फिर लास्ट स्टेज दर्द बढ़ते बढ़ते वो ऑपरेशन के स्टेज को आएगा ऐसा सुना था मैंने। सही। तो फिर वो गया तो घर में हॉस्पिटल में हम अपने वाले चार पांच बार गए थे वहाँ, सिर्फ रेस्ट करो बोल रहे थे, लेकिन कितने दिन रेस्ट करने का। MRI भी निकाले, यानी कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए? हाँ, गए हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके हम बड़े डॉक्टर सर्जन MS सर्जन को भी बताई हूँ, न्यूरो सर्जन के पास हॉस्पिटल में सब न्यूरो सर्जन ही से, बड़े बड़े सर्जन है। यानी कि आप उनके साथ में जाते थे? हाँ। तो आपको सब मालूम है और तकलीफ क्या थी, कितना थी? हाँ, रात को रोते बैठती थी, सोते नहीं थे। अरे बाप रे, यानी कि क्या होता है ऐसे वक्त में, आगे क्या होगा वो क्वेश्चन आता है। इनके स्कूल में एक सर बोले उसे, वो बोलने के बाद हम लोग इधर। अच्छा अच्छा, इतना तकलीफ कम हो गया तो अभी आगे नहीं होने वाला? तो मुझे एक महीने में तो मैं पूरा पहले जैसी हो गई, खुश हूँ मैं भी। अच्छा।